यूपी के अंबेडकर नगर से एक बड़ी खबर आ रही है। छात्रा पर हमला करने वालों के साथ मुठभेड़ चल रही है अंबेडकर नगर में। पुलिस एनकाउंटर में आरोपियों को गोली लगी है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। पुलिस की बंदूक लेकर भागने की इन बदमाशों ने कोशिश की थी। कल बदमाशों ने एक लड़की का दुपट्टा खींचा था, साइकिल से गिरी लड़की को बाइक ने कुचल दिया था। लड़की की अस्पताल में मौत हो गई थी। अब वो बदमाश घेरे जा चुके हैं और इस वक्त पुलिस से उनकी मुठभेड़ चल रही है। यूपी के अंबेडकर नगर में दुपट्टा खींचने वाले बदमाश घेरे जा चुके हैं और जो ताजा जानकारी मिल रही है एनकाउंटर स्पॉट से वो ये कि कुछ आरोपियों को गोली लगी है। पुलिस से भागने की कोशिश कर रहे थे ये आरोपी और पुलिस ने इन्हें घेरा है। मुठभेड़ चल रही है और दो आरोपियों के पैर में गोली लगी है, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है यूपी के अंबेडकर नगर के इस एनकाउंटर स्पॉट से, जहां पर यूपी पुलिस और इन बदमाशों के बीच मुठभेड़ चल रही है। शाहबाज और फैसल ये दो आरोपी बताए जा रहे हैं जिनके पैर पर गोली लगी है। पुलिस एनकाउंटर में आरोपियों को गोली लगी है। कल ये जो घटना सामने आई थी इसने सबको दहला कर रख दिया था। किस तरह से बाइक पर सवार एक लड़की का ये बदमाश दुपट्टा खींचते हैं, लड़की नीचे गिर जाती है और उसके बाद जो बाइक पीछे से आ रही थी उसने इस लड़की को कुचल दिया। और देखिए ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, बदमाश पकड़े गए हैं। ये दो आरोपी यूपी के अंबेडकर नगर में जिनके साथ मुठभेड़ चल रही थी, एनकाउंटर चल रहा था, एनकाउंटर के दौरान दो आरोपियों के पैर में गोली लगी है और उन्हें अब लादकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो दो बदमाश थे जो कि पुलिस से भागने की कोशिश कर रहे थे और पकड़े गए हैं। दोनों के पैर में गोली लगी है। प्रीति श्रीवास्तव हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रीति, तस्वीरें हमारे सामने हैं, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर नगर की घटना है जहां पर ये वो दो बदमाश हैं जो दो दिन पहले एक लड़की का इन लोगों ने दुपट्टा खींचा था और दुपट्टा खींचने के बाद में उस लड़की जो है वो सड़क पे गिर गई थी, उसके बाद उस लड़की की मौत हो गई थी। अब उसके बाद इस केस में FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को गिरफ्त में लिया था। कहा यह जा रहा है पुलिस के तरफ से कि जब इन बदमाशों को गिरफ्त में लिया गया तो ये पुलिस की जो पिस्टल है उसको लेकर भाग रहे थे और भागने के दौरान इनका इनकाउंटर किया गया जिसमें इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और दोनों बदमाशों को अभी अस्पताल ले जाया जा रहा है और अस्पताल में अब इनका जो है वो इलाज किया जाएगा। लेकिन जिस दौरान इन बदमाशों को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे और उस दौरान पुलिस की तरफ से भी गोली चलाई गई और गोली चलाने के बाद ये घटना घटी जिसमें इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और दोनों बदमाशों को अभी जो है वो अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जब दो दिन पहले जब ये जो अम्बेडकर नगर में लड़की जो थी वो अपने स्कूल से घर की तरफ जा रही थी, वो लड़की जो वो घर साइकिल पर सवार थी और इन दोनों बदमाशों ने कि किस तरह से गिरफ्त में आ चुके हैं ये बदमाश, पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। और लड़की की दोस्त का क्या कहना है, जो दोस्त भी वहां पर मौजूद थी जब ये घटना हुई, ये हम सुनवाते हैं। दोनों बातें करते हुए आ रहे थे, पीछे से गाड़ी वाला तो जिन लोगों ने दुपट्टा खींचा आप बता रहे हैं, क्या इससे पहले भी वो लोग आपको रास्ते में तंग करते थे? बाइक लेके तेजी से जाते थे आगे से। तो इसकी शिकायत कभी आपने अपने घर वालों से या स्कूल में कहीं कुछ किया था? घर पर किया थी। तो लड़की की दोस्त को आपने सुना, जब ये पूरी घटना हुई, ये पूरी वारदात हुई, उस वक्त ये लड़की के साथ मौजूद थी, इसने लड़की की जान भी बचाई। लेकिन किस तरह से ये पीड़ित की बात सामने आई है, हमने आपको बताया कि कैसे कल बदमाशों ने लड़की का दुपट्टा खींचा और फिर साइकिल से जो लड़की गिर गई उसकी दोस्त ने उसकी जान बचाई।
इस लड़की को बाइक से कुचलने की कोशिश की गई थी। लड़की की अस्पताल में मौत हो गई थी और जिस लड़की की मौत हुई उसकी सहेली टीवी 9 भारतवर्ष के सामने उन्होंने बड़ी बात कही। पहले भी बदमाशों ने इस तरह छेड़खानी की थी, ये कहना है लड़की की सहेली का, पीड़ित सहेली का कहना है, जो कि एकमात्र चश्मदीद है इस मामले में। और इन्होंने बताया कि पहले भी बदमाश इस तरह से छेड़खानी करते थे इसी रास्ते। तो ये जानकारी है जो कि सामने आ रही है और प्रीति इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, जो मृतका है, जो मृतक छात्रा है, उसकी सहेली की तरफ से ये ऑन कैमरा बताया गया है कि बदमाशों ने पहले भी ऐसी हरकत की है, और क्या पता चल पा रहा है इन बदमाशों के बारे में? क्या ये बदमाश जो लड़की है छात्रा उसको जानते थे? क्या हुआ, क्या था पूरी तरह से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो दो जो मनचले थे ये अक्सर इस तरीके की घटना को अंजाम देते थे, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी जो लोग हैं, जो छात्रा की जो दोस्त थी उसने भी ये बताया है और बाकी लोगों ने भी बताया है कि अक्सर ये लोग इस तरीके से, जो जब स्कूल छूटता था और जब छात्राएं अपने घर की तरफ जाती थी, तो ये इस तरीके से अक्सर जो है वो छींटाकशी करते थे, बच्चियों को परेशान किया करते थे। और उस दिन भी यही हुआ जब वो छात्रा जो थी वो अपने घर जा रही थी, साइकिल से वो अपने घर जा रही थी, जिसके साथ उसकी जो दोस्त थी वो भी मौजूद थी। उस समय भी उन्होंने उस पर पहले छींटाकशी की, उसके बाद उसका दुपट्टा खींचा। दुपट्टा जब उसका खींचा तो वो जो लड़की थी वो वहीं पर गिर गई और उसके बाद उसका जो एक्सीडेंट हुआ वो हुआ। हालांकि बाइक से कुचलने की बेहद शर्मनाक घटना है ये, बदमाशों ने छेड़खानी की लड़की के साथ और लड़की की मौत हो गई है। छात्रा की सहेली ने टीवी 9 भारतवर्ष पर जो बयान दिया है वो हमने आपको सुनाया।